पीछे को देखा जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें बिल्कुल एकदम लाल थी कि उसकी हड्डियाँ दिख रही थी पूरी। अब उसकी हड्डियाँ गिन सकते थे कि कौन सी कहाँ पे। उस टाइम पे मेरे आसपास 10 ईविल स्पिरिट्स थी, 10 दिलाई थी उनको बेसिकली ना। और उसने बताया कि जो चीज़ तंत्र करते हैं ना उनके हाथ में होता है कि उन्होंने अच्छा करना है या बुरा करना है। पता है आपका घर क्यों चुना था मैंने? क्योंकि आपके घर में ना 10 मौतें हुई हैं, रूहें आपस में लड़ती हैं, एक लड़की को तो ऑलमोस्ट पागल कर दिया। तो दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं नितिश राजपूत और स्वागत है आपका द लिमिटलेस टॉक एक और हॉरर एपिसोड में। और आज का जो एपिसोड है वो बड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हमारे साथ है हिताक्षी जी और आपको आज बहुत ही इंटरेस्टिंग घोस्ट स्टोरी सुनने को मिलेगी। वेलकम टू द लिमिटलेस टॉक हिताक्षी जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी नितिश जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया है। तो हिताक्षी जी आज बताइए क्या कुछ स्टोरी है, क्या हॉरर स्टोरी है हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस हॉरर स्टोरी को बड़ा पसंद करती है। आज का बेसिकली जो हॉरर स्टोरी है वो है ब्लैक मैजिक के बारे में, फुल ऑन ब्लैक मैजिक के बारे में। और अगर ब्लैक मैजिक का नाम लिया जाए तो सबसे पहले अगर आपको कोई शहर याद आता है या कोई जगह याद आती है वो कौन सी आती है? यार ब्लैक मैजिक के नाम से कोई शहर ऐसे तो कोई याद नहीं आ रहा, वैसे हर जगह ही ब्लैक मैजिक है, फिर भी बता दीजिए आप। आजकल तो रीलों में बहुत चला हुआ है, बंगाल वालों को सारे टारगेट करते हैं। राइट 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 राइट, क्योंकि ब्लैक मैजिक का जो बेस है कहा जाता है कि बंगाल से है। हाँ, तो वहाँ की है, मतलब वहाँ के किसी इंसान की कहानी है। तो ये कहानी मुझे मेरे एक फॉलोअर ने बताई थी कि उनके साथ ऐसे ऐसे बीती है और ये कहानी हुई थी उनके पड़ोस में। अच्छा। तो कहानी शुरू होती है जब वो थे कुछ लगभग 11 साल के, है ना। तो ये लड़कियां ना, इनका ग्रुप था पूरी गली में, इन्होंने खेलना है ऐसे जैसे बच्चे खेलते थे। आजकल तो नहीं, इतना खैर नहीं रहा है, पर मेरे टाइम पे हम लोग भी खेलते थे। साइकिलिंग करने चले जाना, इकट्ठे खेलना, फिर बहुत सारी ऐसी होती थी, छुपन छुपाई खेलना, बहुत सारी ऐसी गेम्स, है ना। वैसे ही वो लोगों का भी अपना ग्रुप था तो उसके कारण ना फैमिलीज भी ज्वाइंट रहती हैं। गली मोहल्ले की इतनी बातचीत ना भी हो पर बच्चों के कारण फिर बातचीत रहती है, तो उनका भी कुछ ऐसा ही था। उनका ना एक ही ऐसी दोस्त थी और उसका घर था, डबल स्टोरी घर था। पहला फ्लोर ना उन्होंने रेंट पे देते होते थे वो। तो उन्होंने ना वैसे एक रेंट पे दिया एक लड़के को, वो लड़का था बंगाल से। तो बस ऐसे उनका चल रहा था कि हाँ वो आया। पहले तो ना उसका मतलब बिहेवियर बहुत अजीब था। बोल के तो वो ये आया था कि मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ ये वो, पर वो निकलता घर से बड़ा कम था। अच्छा। फिर उन्होंने पूछना कि तुम करते क्या हो, कि मतलब ऐसे। फिर वो कहता कि मैं ना मतलब अपनी किताब लिख रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे रहना पड़ता है, लेकिन मेरा जो भी मतलब पब्लिशर्स के साथ बिज़नेस है या जो भी बिज़नेस है वो बिज़नेस मेरा यहाँ पे ही है, इस सिटी में है इसीलिए। और उस सिटी का हम नेम डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर वो वैसे ही रहेंगे, ठीक है, बिकॉज हमारे यूज़र की प्राइवेसी भी हमने रिस्पेक्ट करनी है। तो वो वहाँ पे वैसे रह रहे थे और सारा कुछ ना बढ़िया चल रहा था। 3-4 महीने हो गए सब कुछ वैसे ही, वो मतलब अपने बंद रहता था, कोई उसने कोई हेल्पर भी नहीं लगवाया हुआ था, अकेला ही रहता था। और उनका ऊपर का फ्लोर भी ना ऐसे बन रखा था जैसे 2 रूम सेट होता है ना। तो क्या होता है कि अगर आप नॉर्मल घर देखो, जैसे आजकल हम यहाँ पर चंडीगढ़ वगैरह में, दिल्ली वगैरह में फ्लैट सिस्टम है, बंद बंद होता है, यहाँ से दरवाज़ा शुरू है, अंदर ही रूम, किचन, स्पेस नहीं होता, मतलब रूम किचन हॉल सब है। लेकिन अगर आप नॉर्मल सिटीज़ की बात कर लो, है ना, कहीं पे भी चले जाओ, वहाँ पे क्या है, पहले घर बना हुआ है, पहले वरांडा आता है, फिर घर बना हुआ है, कमरे हैं, फिर पौड़ी हैं, फिर ऊपर वाला पोर्शन है। उनके भी कमरे इधर हो सकते हैं, इधर हो सकता है, बीच में किचन हो सकती है, ऐसे बने होते हैं, कोई वो सिस्टमेटिक नहीं वैसा, है ना। वैसे ही उनका घर बना हुआ था और ना उनके आगे बहुत बड़ा मतलब छत जो थी खाली पड़ी हुई थी। एक पोर्शन बना के उन्होंने रेंट पर चाटते थे और वो बाकी कैसे चढ़ाते थे, थोड़ी सी पंजाबी बीच में आ जाती है, कोई बात नहीं चढ़ाते थे। तो ऐसे ना वहाँ पे रहना, तो वो बच्चे आपस में खेलना कूदना सारा कुछ। तो ऐसे ही ना वो छत से छत पे भी जैसे जुड़ी होती है, वहाँ से कभी किसी की छत पे जाके खेल लेना, कभी किसी की छत पे कि आज हमने क्रिकेट खेलनी है, आज लंबे घर में जाएंगे, जिसके घर जैसे प्लॉट कटे हुए थे, कि आज हमने वो खेलना, छुपन छुपाई खेलनी, आज गली में खेल लेंगे, ऐसे चलता था। तो ये कुछ ना 6-7 जुलाई का मौसम था जब छुट्टियां पड़ी होती हैं, अभी स्कूल खुलने ही वाले थे, गर्मी की छुट्टियां पड़ी होती हैं जब जुलाई के भी पहले के 10 दिन पहले छुट्टियां रहती थी। अब तो अलग सिस्टम हो गया है। तो तब का कुछ मतलब बरसात नहीं शुरू हुई थी पर मौसम ऐसे हुमस वाला होना शुरू हो गया था। तो बच्चे ना गली में खेलना पसंद नहीं करते थे कि बीच में वो आते हैं, फ्रॉग्स आते हैं, ये वो कहते हैं। हमारे एक ही रीज़न था कि वहाँ पर वो जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, और लड़कियां थी तो हमें ऐसा होता था कि अपने घर पे खेलेंगे। वैसे एक दिन ना वो छत पे खेलने गए तो उन्होंने बोला कि आज हम तेरे घर पे खेलेंगे कीर्ति। उसने कहा कि ठीक है आ जाओ। तो कीर्ति के घर में खेलने चले गए वो लोग, वहाँ पे छत पे खेल रहे हैं और ऐसे ही ना नॉर्मल जैसे वो पता नहीं आपने सुना होगा उस गेम का नाम, वो ना पीठ पे ऐसे बॉल मारते हैं, कपड़े के बने पिट्ठू बोलते हैं उसे। हाँ तो वो ही खेल रहे थे और ये बहुत जगहों पे अलग अलग नाम से, पर खेलते सारे बच्चे थे, मतलब पूरी इंडिया में खेली जाती है गेम, कपड़े की बॉल बना के उसको मारना। तो पिट्ठू खेल रहे थे वो लोग भी और ना वो बॉल चले जाती है उसके कमरे में, अच्छा। जिस कमरे में वो बैठा होता है ना यूजुअली, तो उधर ही चले जाती है और वो मालिक मकान की बेटी है वो डायरेक्ट चले जाती है इसे बिना नॉक करे, उसको इतनी सेंस नहीं है जैसे भी ना, सीधा अंदर जाती है और ना अंदर ना वो चीज़ें देख लेती है पूरी पड़ी हुई। वो बैठा हुआ था एक्चुअली उस टाइम पे ना, वो हल्दी और कुमकुम से जो भी चीज़ बनी हुई थी, मतलब एक सर्कल बना हुआ था आउटर येलो रंग से जो कि हल्दी थी सुपोजिटली, और बीच में लाल रंग से वो पूरा ऐसे बनाकर तारा बना के ये वो सारा पूरा बनाया हुआ था उसने, पूरा देखा पूरा स्टार, मतलब वो बना के कुछ तंत्र क्रिया, क्या तंत्र क्रिया कर रहे थे वो वहाँ पे और उसने पूरा देखा। और ना वहाँ पे जब उसने दरवाज़ा जैसे ही खोला होएगा ना तो इंसान डिस्टर्ब तो होता ही है, बिकॉज वो अकेले में अपने बैठ के जो भी कर रहा था वो कर रहा था, वो डिस्टर्ब हुआ। उसने ना जैसे उसको देखा ना ऐसे पीछे मुड़ के, उसकी पीठ थी उसकी तरफ और जैसे उसकी पीछे को देखा जब उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें बिल्कुल एकदम लाल थी, मतलब वो इतनी उसमें था अपनी मेडिटेशन में या जो भी कह सकते हो, जो भी वो कर रहा था वो अलग एक वर्ल्ड में था उस टाइम पे। और उसकी जब आंखें खुली वो आंखें तो पहले मतलब लाल ही थी, ये जो हमारा होता है ना कॉर्निया होता है, जो हमारा इरीज होता है, जो कलर्ड पार्ट होता है, वो नहीं दिखा था उसको, बस आंखें लाल दिखी थी इतना, मतलब उसको वो डर गई और ना वो वहाँ से बाहर आ गई और आके ना उसने ना मतलब कुछ बोला ही नहीं, वो मतलब चुप हो गई, समझ रहे हो कि उसने ना वो उसको कह रहे हैं कि बॉल ला ऐसे करके ना कह रहे हैं तेरे को क्या हुआ है, और ना वो जैसे होता नहीं है कि ऐसे चुप करके आ गई अपने नीचे अपने कमरे में चले गई और ना चुप करके बैठ गई सोफे पे। लड़कियां पीछे 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 आ गई, ऐसा तो है नहीं है कि मतलब जो भी कि हम छोड़ देते हैं या कर लेते हैं, गए उसको पूछ रहे हैं, कहती उसने सिर्फ एक वर्ड बोला, मुझे अकेला रहने दो ऐसे करके, और वो लोग चले गए। अगले दिन ना जो मेरे को स्टोरी बता रही है जो मेरी फॉलोअर है वो उससे मिलने जाती है कि कैसी है कीर्ति, तू ठीक है कि नहीं है, क्या हुआ है देखो, और वो देखते हैं वो बेड पे पड़ी हुई है ऐसे ना, उसका हालचाल पूछने की, उससे बात बूत कर रही है, उसको बुखार है बट बातचीत नॉर्मल चल रही है। और ना तभी उसको ना उसकी मम्मा घर जाके बताते हैं कि देखो पता है उनका जो वो किराएदार नहीं था वो टूने वाला निकला और वो भाग गया। वो जिस शाम को ये बात हुई है उसी रात को जब वो लोग सोए वो भाग गया, अच्छा, बिना जो भी उनका क्लियरेंस करे जो भी है सारी चीज़ें अपनी उठा के निकल गया था, गॉड नोस, कुछ नहीं पता। पर ना थोड़े दिन बाद वो फिर उससे मिलने जाती है, वो ना स्कूल आ रही है ना खेलने आती है ना ट्यूशन्स जाती है, उसका रूटीन ही मतलब बिल्कुल ख़राब हो गया, वो बेड पे पड़ी हुई है। आई मीन 11 साल का बच्चा हंसता खेलता खेल ही रहा था और उसने ये सब देख लिया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनको कुछ नहीं पता है, ठीक है। जब बस वो बाहर आई थी उसके बाद से वो बीमारी थी, तो ना ऐसे करते करते बुखार नहीं उतर रहा, डॉक्टर को दिखा रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। फिर उसको झाड़ फूँक भी लगवाना शुरू किया उन्होंने कि ना हमारे बच्चे की जो कॉज बाहर ही आ गई थी ना बात कि वो करता है कुछ, तो उन्होंने वो बाबों को भी बुला के ना उसका झाड़ फूँक करवाना भी शुरू किया, वो घर पे आके उसका करके भी जाते थे। और उसके बाद ना धीरे धीरे इतनी वीक होगी ना नितिश जी की, मतलब ऐसा लगता था कि अब इसने मर जाना है, अच्छा, मतलब वो फिजिकल तौर पर, मतलब ऐसा लगता था कि बहुत सूख गई, वैसा बहुत उसका कुछ नहीं बचा था। कहते कि मतलब बहुत हंसती खेलती थी, जैसे बच्चा होता है 11 साल का बच्चा हेल्दी होता है कि इतना कुछ वो नहीं लगता। कहते कि पहले तो वो मतलब उसका ना रंग भी ऐसा सांवला सा होना शुरू हो गया कि हाँ इसको कोई बीमारी है, फिर उसकी आंखें पीली पड़ने लग गई, नाखून जैसे ऐसे ना मतलब जैसे झड़ से नहीं जाते हैं टूटने लग गए बिल्कुल वैसा। फिर कहते हैं कि पहले तो मतलब हफ्ता 10 दिन तो ऐसा था कि वो बस घर पे रहती थी कि मैंने स्कूल नहीं जाना, ये नहीं करना, मन नहीं है। फिर उसने 10 दिन बाद ना नहाना नहूना भी छोड़ दिया था, घर पे रहती थी, सिर्फ बेड पे पड़ी रहती थी, अच्छा। फिर उसने धीरे धीरे खाना छोड़ा और फिर पानी भी नहीं पीती थी, पानी भी उसको उस तरह से पिलाना पड़ता था ज़बरदस्ती कि ऐसे करके। और ना वो मतलब उनके समझ में नहीं आ रहा था बाबों के कि क्या चल रहा है, तो मतलब कि हुआ इन शॉर्ट ये था उनके साथ कि उनको कोई सही एडवाइज़र नहीं मिल पा रहा था, बिल्कुल। और उनका घर भी ऊपर वैसे ही पड़ा था, कोई हिम्मत ही नहीं करता था अंदर जाने की कि कैसे जाना है। और जब वो आते थे वो लोग कहते थे कि हम इससे दूर रहेंगे, हम नहीं इसको हाथ लगा सकते आप किस जगह को। तो वो कहते थे कि अब हमारे तो सिर पे ही पड़ा हुआ है, उसको सामान तो कुछ करवाओ, उसको जो करना है। कोई अच्छा गुरु नहीं मिल पा रहा था, कोई डायरेक्शन वाला नहीं मिल पा रहा था, वो जाता नहीं था अंदर। तो कहते हैं हमारी बेटी क्या पता है उसी के कारण ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। तो ना ऐसे चलता रहा 3 महीने हो गए। वो लड़की मतलब अब ऐसा था कि किसी भी टाइम मर जाती। और उस टाइम के बाद ना उसकी माँ को, बिकॉज माँ ही उसका सारा रेख देख कर रही थी, उसको चीज़ें दिखना शुरू हो गई। मतलब आप मानोगे कि उसकी माँ ऐसे ना उसको चलते फिरते ऐसे होता था कि कुछ निकला है, छलावा जिसे कहते हैं, साया कह देते हैं। हाँ, क्योंकि इस सिचुएशन में ऐसा होता है। उसकी माँ को ना ऐसे दिख रहा है और ना वो डर गई। उसको लगा कि ये मेरे बच्चे को तो नहीं लेने आ गए, कि मतलब हो क्या रहा है। उसकी तो सामने वो जो चीज़ें हुई थी, इतना सब कुछ हुआ है उसके घर में। पहले तो सिर पे ही ये सब हो गया, अपनी बेटी पे हो गया, उसके बाद अब उसको खुद को भी दिख रही है। तो वो सारा था। और वो ना रहती थी अपनी माँ के घर में। ये मतलब जो आंटी थी जिनकी बेटी के साथ ये हुआ था, वो अपनी माँ के घर में रहती थी, ठीक है। उसके लड़की के फादर वगैरह नहीं थे। तो ये सारा मतलब इतना ताम झाम उनके ऊपर हो रहा है। उसके बाद ना उनको एक स्पिरिट ने गाइड किया था, कहने के अनुसार कहते कि वो ही ना उनके सपने में आके उनको बोल कर गई है कि उस लड़के को ढूंढो, जो वो तंत्र क्रिया कर रहा था बंदा, उसको ढूंढो, वही तुम्हें वो करवाएगा, मुक्ति दिलाएगा, तेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो ये बोल कर गई है उसके सपने में। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग बात करते हैं एस्ट्रल बॉडी की, सूक्ष्म शरीर की, तो कई बार ना आत्मा शायद आपसे फिजिकल प्लेन में नहीं इंटरेक्ट कर सकती, उस प्लेन में कर लेती हैं। तो कुछ गुड जिसे हम कह देते हैं स्पिरिट्स, उसने मतलब गाइड किया वो किसकी स्पिरिट थी, कौन थी। कोई उनका रिश्तेदार नहीं था, कोई उनका नोन नहीं था, कोई आसपास का उस टाइम पे मरा नहीं था। कुछ नहीं पता कि वो कौन थी और उसने क्यों गाइड किया इनको। ये वही है कि गुड स्पिरिट भी तो ज़रूर साथ देगी ना ऐसे ऐसे मौके पर। पता नहीं क्या हुआ था, मतलब ये तो बहुत ही अलग चीज़ है। उसने आके उनको बताया बाकायदा कि जो भी चीज़ है उधर ही सॉल्व होएगी, उस लड़के को ढूंढो जिसने किया था। तो अब ढूंढना तो मुश्किल था, उनके दिमाग में था ही नहीं। और 3 महीने हो चुके थे, कहाँ से ढूंढते, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा होगा। तो फिर उसके बाद ना जो आधार कार्ड नहीं होता है अपना, है ना, तो ये उस टाइम की मतलब अब वो जो लड़की है वो 20 साल की है, मैं बता ही देती हूँ, है ना। तो तब तक ये सारी चीज़ें थी। जो उनका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ था ना, उससे वो पहुँचे उसके घर पे, जो एड्रेस था वहाँ पे लिखा हुआ। उस एड्रेस से फिर उसके मम्मी पापा को बताया कि ये चीज़ है। उसके माँ बाप मिल गए वहीं पर उसी एड्रेस पर। वो कहते हैं हमारा बेटा हमें छोड़ के 15 साल हो गए, निकल गया है, वो आता नहीं है यहाँ पर, 15 साल से अपना कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। फिर उसकी बड़ी बहन को बताया गया, उसकी बड़ी बहन को ढूँढा फिर। और इतनी देर में ना जब उसकी माँ घूम रही है ना, इधर जगह से जगह भटक रही है, जिस जगह से बंगाल गई वो बहुत दूर है, बंगाल जाके उसका पता करवाया, ये वो भटक रही है जहाँ पे, वो बहुत दूर है। उसको ये नहीं पता कि उसकी बेटी पीछे बचेगी कि नहीं बचेगी, बिकॉज वो खा पी तो रही नहीं है उसको, वो तो जीवित है उस चीज़ पे, फांडों पे, और वो जितना वो कर रहे हैं। और वो भी कोई इतना असर नहीं कर रहे थे क्योंकि उसकी हेल्थ तो बिल्कुल ही डिप्लीट हो चुकी, मतलब एकदम जैसे सूखा हुआ इंसान होता है ना, सूखा हुआ, मतलब मान लो कि उसकी हड्डियाँ दिख रही थी पूरी। अब उसकी हड्डियाँ गिन सकते थे कि कौन सी कहाँ पे है। ये हाल हो चुका था, बीमार एकदम। उसके बाद ना क्या हुआ कि जब उन्होंने मैं बता रही थी ये कि ढूंढ रही थी और उनको नहीं पता था कि उनकी बेटी को क्या होएगा, है ना। उस टाइम पे फिर उसकी बहन के घर गए। अच्छा। फिर बहन ने उसको कॉन्टैक्ट किया अपने भाई को कि ऐसा ऐसा हुआ है और अगर तेरी इन्वॉल्वमेंट है कोई तो प्लीज़ बचा ले, मतलब नेचुरली अगर कुछ दिक्कत है तो सॉल्व कर दी जाए। हाँ, कि कुछ भी ऐसा हुआ है तो मतलब अगर उनकी बेटी को बचा सकते, जाने अनजाने में कोई चीज़ हो गई है तो ऐसा कर लें। तो वो कहता कि ना ठीक है मैं जाता हूँ। वो कहता कि मैं आऊँगा, इस जगह पे आऊँगा, आप मुझे यहाँ पे मिल लेना, और उसके बाद जब आपकी बेटी ठीक हो जाएगी ना तो मैं आपका ऊपर वाला भी सफाया कर दूँगा। अच्छा। जो घर मैं छोड़ के गया था जैसे, वो भी मैं ठीक कर दूँगा। बेटी को क्या स्पिरिट आ गई थी उसके अंदर? एक बुरा साया लग गया था उसको। अच्छा, बुरा साया लग गया था उसके ऊपर। और वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। फिर ना ये हुआ क्या कि उसकी बेटी जब वो चलने की हालत में भी नहीं है, उसको कहा था कि नंगे पैर चलकर आना है, कि वो बेचारी सूखी होगी, सूख के हालत खराब होगी, वो कैसे जाएगी ना। उसको ना उसकी माँ ही वो करके पकड़ के, सहारा बन के, जैसे ऐसे करके नहीं लेके जाते हैं पूरा पकड़ के, वैसे ना उसको लेके गई। और ना कहते कि ना अब हम जो दोस्त है ना, इधर कैसे इसकी इन्वॉल्वमेंट है कि ये पूरी गली को पता था कि ये सब चल रहा है, ये सब चीज़ें चल रही हैं। कभी कोई ध्यान रखने जाता था उसका, कभी कोई ध्यान रखने जाता था, बट डरते भी सारे थे कि कोई तो बुरी चीज़ ही हुई है कि हमारे पे ना लग जाइए वो। तो लेकिन जो दोस्ती थी ना इनकी, दोस्ती इतनी गहरी थी कि लड़कियाँ ज़रूर जाती थी। अच्छा। वो 11 साल की बच्चियाँ ध्यान रखती हैं अपने दोस्त का कि कोई बात नहीं, आपने रात को नहीं रुकना, हम रुक जाएंगे। और उनके चक्कर में उनके माँ बाप फिर जाते थे, उनकी मम्मियाँ या कोई पापा उनके साथ उधर रुकता था उसके घर में। और उसके बाद जब वो लड़का फाइनली मिल गया था, उसको पकड़ के लेके गए लड़की को ना, तो पूरी रात कहते पूरी गली में कोई नहीं सोया था हमारे, सब जाग रहे थे कि क्या बनेगा। अच्छा। कि कीर्ति बचेगी कि नहीं बचेगी। ओके। तो ये मतलब ऐसा है कि उधर पूरे सबको पता है ये चीज़ कि ऐसा हुआ है। तो ये उसको लेकर गए, जैसे उसको टाइम पे बुलाया था है ना कि 12 बजे के बाद मिलेंगे हम, ऐसे ऐसे इस जगह पे मिलेंगे। लेकर गए, उसको बुलाया और ना उसके बस सिर पे हाथ रखा कि जहाँ तेरे को कुछ नहीं होगा। और कहते वो वापस आई है, वापस आने के 3-4 दिन बाद उसने खाना पीना भी शुरू किया है और उसकी हेल्थ 4-5 महीने में ठीक हो गई वापस। जो मतलब बिल्कुल मरने जोगी हो गई थी ना, वो 4-5 महीने में रिकवर भी हो गई। अब उसने सारी कहानी बताई थी उसकी माँ को, जो उन्होंने बाद में बताई। उन्होंने बोला कि जब मैं जो कर रहा था कि मैं ऑलरेडी बचपन से ब्लैक मैजिक परफॉर्म करता हूँ। अच्छा। मेरी ये चैनल्स बहुत देर पहले से खुल गए थे, मेरे पे किसी ने किया था, उस चीज़ को उतारने के लिए मैंने खुद से सीखा। और उसके बाद ये क्रियाएं करते हुए मैं कब उस मैजिक की डार्कर साइड पे चला गया मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मैं बच्चा था। उसने तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोशिश की होगी स्टार्टिंग में, उसने डिफेंड करने के लिए तंत्र सीखा था। लेकिन वो उसके नेगेटिव साइड में कब चला गया उसको पता ही नहीं चला। और वो करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा। कहता कि अब क्या होता है कि जब हम ब्लैक मैजिक परफॉर्म करते हैं ना, अगर हम एक बार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी के अच्छे के लिए भी कर रहा हूँ, मुझे उस जो चीज़ें अब मेरे साथ हैं मेरे को उनको करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ब्लैक मैजिक हमारा चला जाता है और हमें ही हार्म होता है उसके बाद, हम नहीं छोड़ सकते इसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ उसने जब उसको बताई ऐसे करके कि जब मैं ऊपर कर रहा था, वो एक ऐसी चीज़ थी कि उस टाइम पे मेरे आसपास 10 इविल स्पिरिट्स थी, 10 बुरी आत्माएँ। क्या बात कर रहे हो? 10 बुरी आत्माएँ थी और उनमें से मैं 2 को समझा चुका था, 8 से मेरी बातचीत चल रही थी, आपकी बेटी बीच में आ गई। उसको सिर्फ एक पहले ही जो चिपक गई ना, वो सबसे ताकतवर चिपक गई थी। अच्छा। वो सबसे साया उसका लग गया। अगर कहते हैं कि पहले छोटी आती बड़ी आती, उसको 8 की 8 चिपक जाती, मतलब कहते। और ऊपर से उनकी बेटी का ना उस टाइम पे पीरियड साइकिल शुरू हुआ था, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुआ था उस टाइम पे ना, गर्ल्स का और एकदम से डिप्लीट होता है। अच्छा, ऐसा होता है क्या उनके? तो वहाँ पे ना, और मेंस्ट्रुअल पीरियड में बहुत सेंसिटिव हो जाती हैं लड़कियाँ, और ये हर मंथ होता है। तो आपने देखा होगा काफ़ी लड़कियाँ जो ऐसे मतलब वो पोजीशन में आती हैं, ये वो उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है उसके साथ, उनके साइकिल्स डिस्टर्ब होंगे, कुछ ऐसा रहेगा। तो उसका शुरू हुआ था तब। अच्छा। और वो उसके फर्स्ट पीरियड्स थे उस टाइम पे जब उसका हुआ था। वो उस टाइम पे ना शायद उसका 5th डे था कि 4th डे था जिस दिन उसके साथ ये हो गया। और उसने फिर कंफर्म किया अपनी बेटी से कि क्या ये चीज़ थी? उसने बोला हाँ मम्मा ये चीज़ हुई थी। अगर कुछ दिक्कत आ गई होती तो जो 8 की 8 जो बच्ची, अभी उसको 1 की चिपकी थी ना, उसको 1 की चिपकी थी जो सबसे ताकतवर उनमें खड़ी थी ना। अगर वो कहते कि मैंने ना जैसे जाते हुए देखा कि हुआ है कि उसके साथ गई है। कहता पर मैं अब करता क्या, मैंने तो वो 7 को भी आगे वो करना था ना, जो बच गई थी। 2 पहले उसने कर लिया था, 7 को भी उसने मुक्ति दिलवानी थी या उनके सही रास्ते उनको लगाना था, जो भी उनका कारण था। कहता कि अब मैं आ तो चुका ही था तंत्र में, मैंने ये सोचा कि मैं जितनी हो सकता है कोशिश कर सकता हूँ कि जितनी यहाँ पे भटकती हुई चीज़ें हैं उनको सही मार्ग दिखा दूँ। कहता पर जब आपको कीचड़ साफ करना है, कीचड़ में उतरना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और कहता कि अगर मैं उस टाइम पे आपको बताने लगता या कुछ करता तो उस टाइम पे आपको नहीं समझ आना था, आप लोगों ने मुझे मार देना था और आपकी बेटी ने कभी ठीक नहीं होना था। कहता फिर तो थोड़े महीने बाद भी नहीं, कहता मैं खुद से आता, आपने सुननी नहीं थी, आप क्यों सुनते? मेरे कारण तो आपकी बेटी का ये हाल हुआ है। और ना उसके बाद उसी ने फिर उसके ऊपर से वो चीज़ उतारी और किया और उसको साथ लेके गया। और उसने बताया कि जो चीज़ तंत्र करते हैं ना उनके हाथ में होता है कि उन्होंने अच्छा करना है या बुरा करना है। बिल्कुल बिल्कुल सही। कहता उस टाइम पे तो मैं इंसानी दुनिया से किसी से वो कर ही नहीं रहा था कुछ। और कहते पता है आपका घर क्यों चुना था मैंने? क्योंकि आपके घर में ना 10 मौतें हुई हैं, 10 आत्माएं, 10 मौतें उनके घर में हुई थी, 10 प्रेत ऑलरेडी वहाँ थे। वैसा कि आपने जब ये घर लिया था 25 साल पहले आपकी मम्मी के टाइम पे, आपके पापा ने घर लिया था, शुद्धिकरण करवाया था कोई, कहते उन्होंने ना जो भी चीज़ें थी ना वो लॉक करके रखी हुई थी घर की दीवारों के साथ। अच्छा। वो तो आपने चेंज नहीं करवाया, अगर आप कोई छेड़खानी करवा देते, जो अंदर धागे बंधे पड़े हैं, जो बंधन बंधे पड़े हैं, उन्होंने आपको तंग करना था अगले सालों में। कहता वो तो मैं आया, रुका, मेरे को सेंस हुआ कि इस घर में कुछ है, इस घर को पूछता हूँ कि किराए पे देंगे और मैं शुद्धिकरण करूँ, मेरा काम है। उनको पता लग जाता है ना चीज़ों का, जो आम इंसान को नहीं लगता पता, वो जो तंत्र साधना में सिद्धियों में है, उनको तो चीज़ों का वैसे ही पता लग जाता है। और कहते जब मैं सोता था तो मेरे तो मतलब ऐसा था कि मैं सो ही नहीं पा रहा था, जैसे मैंने आंख बंद करनी मुझे वही चीज़ें दिखनी। कहते दो तो ऐसी थी कि जो बीच में फंसी हुई थी, वो मदद मांगती थी कि छुटकारा दिला दो, हम गलत फंस गए हैं, हमें बाकी भी तंग कर रही हैं, रूहें आपस में लड़ती हैं, वो कहते वो हमें तंग कर रही हैं। अच्छा। कि हमें, और वही दो का सबसे पहले उसने निबेड़ा किया था, मुक्ति दिलाई थी उनको बेसिकली ना। एक कहता हम कटघड़ा बनाते हैं, उनमें खड़ा करते हैं कि हाँ तेरी तकलीफ क्या है, तेरी तकलीफ क्या है, तू बता कि तेरे को किसी तांत्रिक ने बांधा, तेरे को किसने बांधा है, क्यों किया है, तेरा कोई काम अधूरा रह गया है। तो जो भी था मैं उनसे पूछ रहा था, उसके बीच में अगर तुम्हारी बेटी आ गई और उसको तो मतलब ना एक वो मिल गया गेट अवे फटाफट से, और वो उसको लग गई कि ये हुआ था उसके साथ। चलिए, लेकिन वो अच्छे काम के लिए कर रहा था और अब जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। मिस्टेक थोड़ी जिस बच्ची के पेरेंट्स की भी रही या बच्ची की भी रही जो अंदर आ गई थोड़ी सी, है ना, कह सकते हैं किसी की प्राइवेसी में क्यों जाना, नॉक करके जाती है कुछ भी। अगर एक छोटा सा प्रिकॉशन हो जाता, उस दिन वो उसके घर में ना खेल रहे होते या वो नॉक ना करती, नॉक करके चले जाती या कुछ भी ऐसा, तो शायद बच जाती। पर उसके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ और अभी वो जहाँ पे पढ़ रही है ना, वहाँ पे भी उसके साथ एक्सपीरियंसेस उसको कंटिन्यू दिखती रहती हैं चीज़ें, तो वो बहुत घबराती है अभी भी। अभी ठीक है ना वो, तो बिल्कुल ठीक है, हेल्थ वाइज ठीक है, बट मेंटली ठीक नहीं है, मानसिक तौर पर वो तो चलो एक झटका जो लग जाता है, डिस्टर्ब रह गई है, मतलब उसको अभी भी चीज़ें दिखती हैं। और ये जो जिसने मेरे को बताया, उसके अभी भी दोस्त अच्छी, तो उनका ऐसा है कि वो खैर उसके बाद तो उन्होंने घर वर्क क्लियर करवा के ना घर बेच ही दिया था वो वाला, कि जब उनको पता चला कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, पर उन्होंने जब नया घर लिया उसका पूरा पूछा कि ठीक है, कुछ है तो नहीं है, सब ऐसी चीज़ें करी, प्रिकॉशंस लिए। लेकिन जो एक बार उस लड़की के साथ हो चुका था ना, जो उस आत्मा ने कर दिया था, आपके बॉडी में कोई चीज़ इतनी देर रह जाए, कोई घर करके 3 महीने एक आत्मा उसके साथ, उसकी सारी एनर्जी ले चुकी थी, तो उसका तो अलग ही था। मतलब बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है ये तो, और ये तो वही समझ सकती है जिस पर बीती है, जिस पर बीती है। इसके अलावा कोई और है आपके पास कहानी? एक ना मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने किसी दोस्त के चैनल पे भी सुनाई है, वो मैं आपको ना थोड़ा सा बताती हूँ एक अलग एंगल से, क्योंकि हम वहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं गए थे। वो कहानी है, आप मीडियम्स को जानते हो? मीडियम होते हैं जो मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, जो आजकल कह देते हैं कि हम मतलब आत्माओं की बात आप तक पहुंचा देते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ मैं समझता हूँ इस चीज़ को। हाँ। हमारे पास भी, हमारे हिमाचल में भी ये चीज़ होती है, जो कि मर गया होता है या कोई आत्मा होती है, तो उसके सोर्स के द्वारा उससे बातचीत करके वो लोगों से बात करते हैं ना वो। हाँ वही चीज़, तो मतलब मीडियम्स होते हैं ये ना, एक साइकिक है, साइकिक होते हैं, जैसे वो बैठे बैठे अगर उनके पास कोई ना चीज़ आएगी कि मैम हमारे घर में ना ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है, वो बैठे बैठे ना अपना ध्यान लगाएंगे, एक अलग वर्ल्ड में जाएंगी, उनको ना ऐसे पिक्चर्स दिख जाती हैं कि अच्छा तुम्हारे घर में ना पेड़ होगा, थर्ड आई के थ्रू पेड़ होगा, पेड़ के नीचे देखो कुछ लाल कपड़ा निकलता है, उसको ना तुम ऐसे कराओ, ये है मतलब कि पहले तो निकालो और उसके बाद फिर वो अगर तो निकल आता है फिर आगे पंडित से पूछ लो या फिर यो, मतलब उनका इतना ही काम है कि चीज़ की गहराई तक जाके ढूंढ निकालने आंसर्स। तो ऐसी साइकिक है, वो मेरे कांटेक्ट में है, तो वो बताते नहीं है अभी, मतलब वो उनका काम बस हेल्प करना है, तो वो सोशल मीडिया वगैरह पे है नहीं एक्टिव। ये ना जब उन बचपन में थे, उन्होंने ब्लैक मैजिक में कैसे गए, उनकी स्टोरी है। अच्छा। तो उनकी ना एक अलग स्टोरी है जो साइकिक वाली उनकी थी, वो बताती हूँ आपको। एक ना कपिल था, वो कपिल आया, NRI है, ठीक है, तो उन्होंने उनकी हेल्प मांगी थी, और ये जो मैंने उनको स्टोरी बताई थी, अमन का चैनल है, सबको पता ही है, उधर वहाँ पे बताई थी मैंने कि उन्होंने बचपन में गलतियाँ की थी कुछ, कि ब्लैक मैजिक में पड़ गए इंटरेस्ट लेके, फिर छोड़ दिया, घर वालों को पता चल गया, फिर उसके बाद उन्होंने जहाँ पे मतलब कॉलेज में गए वहाँ पे भी उन्होंने वो सब चीज़ें कंटिन्यू की, मतलब बहुत चीज़ें की उन्होंने। एक लड़की को तो ऑलमोस्ट पागल कर दिया, ऐसे मैजिक ऐसी चीज़ है जिसको अगर अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन होते होंगे शायद इसमें ना, ऐसे बिना रूल्स के अगर करें तो दिखते फिर बैक शॉट भी इसका बड़ा भयंकर बचता है। बिल्कुल, उनको बचा और उसके बाद वो फिर बने कि नहीं यार अब मैंने जो काम करने हैं वो अच्छाई के लिए करने हैं ये वो, उसकी भी उनकी 10 साल की जर्नी है अलग है ये वो। तो ना ये एक पर्टिकुलर केस उनका ऐसा था जो उनको उस गलती की याद दिलाता है। उनके पास ना एक कपल आया और एक ना लड़की आई है, वो बोल रही है कि ऐसे ऐसे हम ना घर पे शिफ्ट हुए हैं लेकिन हमारे घर पे ना कुछ चीज़ें चलती रहती है, मुझे ना ऐसा फील होता है कि हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है ना उस पर कुछ है, मतलब यहाँ पे नहीं बाहर जो उनका घर है उधर। और ना वहाँ पे ना क्या है कि वहाँ पे जैसे लक्कड़ वाला वो बेस होता है तो वहाँ पे ना तुम्हें जो फुटस्टेप्स होते हैं वैसे नहीं होता कि कोई जोर से चलेगा तभी दिखेंगे, वो आराम से भी सुनाई दे जाते हैं टक 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 वैसे वाला। अगर हम पहाड़ों में भी जाए तो जहाँ पे लक्कड़ वाला वो होएगा तो वहाँ पे भी ऐसे टक टक की आवाज़ आ जाती होगी, अगर कोई ऊपर चल रहा है तो हमें पता चलेगा कि हाँ कोई निकल के गया ऐसा। तो कपल ही रहता था और उनके पास ना उनको पेट्स वेट्स का बहुत शौक था, तो एक कुत्ता, एक बिल्ली, एक हैमस्टर था और 2 बर्ड्स भी थे। और ना मतलब बड़े ऐसा उन्होंने रखा हुआ था कि मस्त है ये वो, लाइफ अच्छी चल रही है, बस उस घर में शिफ्ट होने दो चीज़ें पलट गई। तो वो लड़की बड़ी बिलीवर थी इन चीज़ों में कि कुछ होता है, काला जादू होता है, ये होता है वो होता है। तो पहले तो ना उसने वहाँ के जो टैरट वाले होते हैं, वहाँ पे टैरट ज़्यादा चलते हैं, टैरट और विचेस, उनको दिखाया। तो उधर आया कि हाँ आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये है वो है। पर ना फिर बातें क्या होती हैं कि वो लोग भी आजकल पैसा बना रहे हैं, और ये स्टोरी कोई बहुत पुरानी नहीं है, कोई 2018 की 17 की बात है। तो वो लोग ना वहाँ पे भी ऐसे कि पैसा बनाते हैं, मतलब उनको ये कि जहाँ से बस आए हिंट लो है ना, पहले पैसा बना लो फिर हम सॉल्यूशन देंगे। ये काम गलत है, अगर किसी की मदद करनी है तो पैसे को तो बाद में ही रखना चाहिए, बट सारे करते हैं ना आजकल। और उसके पास तो ऑप्शन भी नहीं था, वो किसको बोल रहे हैं क्या करें है ना। तो खैर वो फिर ना उन्होंने कहा कि वो इनके कॉन्टैक्ट में पता नहीं किस तरह से आए पर आए, इनके कॉन्टैक्ट में आए। और इनका कहना है जो मतलब साइकिक है, इनका कहना है कि मेरे पास जो मदद के लिए आता है ना वही भेजता है, वो खुद ही जरिया बना देता है, किसी तरह से वो लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि इनकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रही है कहीं पे है नहीं अवेलेबल, वो पहुंच जाते हैं किसी तरह कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये भी वैसे ही ना कनेक्ट हो गए उनके साथ और मिले, और उन्होंने सारी प्रॉब्लम एक्सप्लेन की कि जब से हम उस घर में गए हैं एक तो आपसी झगड़े बहुत बढ़ गए हैं, जैसे मेरा काम करने का तो कहती मन ही नहीं करता, ना मेरा मन करता है मैं जॉब करूँ, ना मेरा मन करता है कि मैं घर का काम करूँ, झगड़े बढ़ गए हैं ये वो। और कहती है ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है, उनके साथ भी हो रहा है, कॉन्टिन्यूज़ हो रहा है। जैसे मेरे को तो, और वो इतनी बार बीमार हो चुकी थी ना, उसका पेट ख़राब रह रहा है, ये रह रहा है, वो रह रहा है, उसके हस्बैंड का कांस्टेंट सिर दर्द रह रहा है, माइग्रेन के लिए चेकअप हो चुका है। और बाहर की ना फैसिलिटीज़ बहुत महंगी है मेडिकल, क्योंकि ब्लैक मैजिक में बीमारियाँ भी बड़ी आ जाती है ना, उसमें डला दी जाती है क्या, यही चीज़ है। तो ना उनको ना ऐसा हुआ कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं और ऐसे ऐसे करके ना, और ना हमारे पेट्स भी बड़े वो रह रहे हैं। और उनकी जो बिल्ली रखी हुई थी ना वो भाग गई थी उनकी, अच्छा हफ्ते में ही भाग गई थी, वो वापस ही नहीं आई। तो ना डॉग था वो भी कुछ खाता पीता नहीं था, कहती मतलब बस घर में आने दो, हमारी लाइफ ऐसे से ऐसे हो गई है, हम लोग क्या करें हमें बताओ। तो कहती मुझे ना टाइम दो, हफ्ते 10 दिन का, जो मैं जाऊँगी ध्यान लगाऊँगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि क्या दिक्कत है। कहती नहीं अभी आप कोई सॉल्यूशन दे दो थोड़ी देर के लिए, थोड़ा शॉर्ट टर्म दे दो बट दे दो। वो कहती है ऐसे शॉर्ट टर्म तो मैं तुम्हें क्या ही सॉल्यूशन दूंगी, कि मतलब मेरे को खुद भी नहीं पता है, मैं कोई वो नहीं हूँ कि एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई बाबा तांत्रिक नहीं हूँ मैं चीज़ें देखती हूँ उसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताती हूँ, शायद तुम्हें सॉल्यूशन के लिए भी किसी और के पास जाना पड़े। आई डू नॉट हैव आंसर टू एवरीथिंग, जितना मुझे पता है मैं तुम्हें बता दूँगी। तो उन्होंने ना अपना मतलब वही जो मेडिटेशन के लिए उन्होंने पहले ध्यान लगाना शुरू किया ये वो। पहले तो कहते कि घर की इमेज ही ना बड़ी रूकी सी आती थी, रूकी इन द सेंस कि बेटा जैसे बिगनिंग में होता है ना जब हाउस जब लकड़ी लग रही होती है सारा ऐसे करके वैसी आ रही होती है। तो ना ऐसी इमेजेस आनी, कहते कि मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या मतलब मेरे को पूरा घर क्यों नहीं दिख रहा है। और ना वो अपनी वो फ़ोटोज़ नहीं मंगवाते हैं जगह की, वो इंसान की एनर्जी से सेंस करते हैं कि वो कहाँ है कैसे है क्या है। ऐसा भी पॉसिबल है क्या? हाँ, वो इंसान की एनर्जी से सेंस करते हैं, उनके नाम से वो जगह का पूछ के कि कौन सी जगह पे है क्या है, पूरा पूछ पाछ के पूरे नाम लिखे सब कुछ, फिर वो बैठते हैं। उन्होंने कोई फ़ोटो नहीं देखी होती है, कुछ नहीं देखी होती है, और वो ना खुद से एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनका विश्वास बने कि जो मैं बता रही हूँ वो सही बता रही हूँ, कि इमेज ऐसी बनी है। तो ना उसके बाद ना जब उनका ना वो बिल्डिंग वाला ही आता रहा, 3 बारी वो कहते कि मैं ना 3-4 बारी बैठी, मेरे को कुछ दिख ही नहीं रहा है, मेरे को बस यही दिख रहा है कि फर्स्ट फ्लोर की ऐसे मतलब जैसे वो स्टार्टिंग में बनाते शाफ्ट्स लगाते हैं और वो फ्लोरिंग होती है वही दिख रहा है। तो ना इन्होंने पूछा कि मेरे को ये बताओ कि आपका घर बना कब था, किसने बनाया है, फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है, क्या सीन है घर का, पूरी हिस्ट्री मंगवाई, फाइल स्टडी करी। उसके बाद ना फिर उन्होंने फिर से ध्यान पे लगाया तो उनको पता चला कि जो बनाया गया था ना ये घर, एक तो ये जो ज़मीन थी डिस्प्यूटेड थी। बाहर क्या होता है कि आपके इक्वल राइट्स हैं, आप देना चाहो ना देना चाहो ये वो, है ना। तो बेटा बेटी की थी, डिस्प्यूटेड थी, तो बेटे ने सेल करके बेटी को उतने पैसे नहीं दिए, हाफ हाफ नहीं किए, इट वाज लाइक 30-70 कुछ ऐसा डिस्प्यूटेड लैंड था और उस पर केस था। फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने अपना क्लियरेंस करवा के ये वो उसको बेचने को लगा दिया था। फिर उसके बाद जो जिसने बनाया था, इन्होंने सेकेंड लिया था, बना बनाया घर लिया था इन्होंने। तो उसमें भी क्या हुआ था कि ऑनर की डेथ विद इन द हाउस हुई हुई थी और उसका कोई आगे पीछे था नहीं, वो अकेला अकेला बंदा था, वैसे ही मर गया। तो उसके बाद क्या था कि जब वो घर काफ़ी देर खाली था ना, वो काफ़ी सारे जो वो नहीं होते यंगीज, जो जंकीज़ होते हैं, मतलब कि ड्रग्स लेना, नशे करना, पड़े रहना किसी भी खाली जगह पे, अच्छा, उसके लिए यूज़ हो रहा था फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें वैसे हो रही थी, बट हो रही थी। तो वहाँ पे कुछ नशे में कुछ लोगों ने ना आपस में कुछ ऐसी चीज़ें की हुई थी कि जैसे कोई लड़की दोस्त है उसका रेप कर दिया या कुछ ऐसे, और ऐसा मल्टीपल टाइम हुआ था वहाँ पे बहुत सारे लोगों के साथ। उनको अलग ही लेवल चला हुआ है, कुछ ना नशे में कर रहे हैं वो लोग। तो वो सारी चीज़ें उसको मतलब सारा उसको क्लियर हो गया कि क्या है। तो वहाँ पे नेगेटिविटी इतनी भारी थी, कोई एक स्पेसिफिक नेगेटिविटी नहीं थी, मल्टीपल नेगेटिविटीज़ थी। और फिर उनमें से ना मतलब ऐसा था कि उनके ही अपने रिश्तेदारों ने भी उन पर ऐसा कर रखा था, वो जो उन तक आज तक चीज़ें पहुंच नहीं पा रही थी ना, जेलेसी के मारे जो भी चीज़ें होती हैं, जो नहीं पहुंच पा रही थी ना, वो उस घर में जाने के बाद पहुंच गई, क्योंकि उनके ऊपर पहले ये ऐसी चीज़ों की। अपने घर को छोड़ के जब वो दूसरे न्यू वाले घर में गए हैं, उनके साथ ये सारी चीज़ें होना शुरू हुई, ये सारी चीज़ें अटैच रह रही हैं। चाहे जितना मर्जी आपका हॉरर स्ट्रॉन्ग हो, जो मर्जी हो, जब आप 24/7 उन चीज़ों में हो तो वो असर करेंगी। बिल्कुल 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 कह सकते हैं कि वो उनकी संगति बन गई थी। और उसके बाद ना फिर उन्होंने कहा कि इसका तो एक ही सॉल्यूशन है, घर को प्योर करो। घर को प्योर करने में तुम्हें लग जाएंगे 1.5-2 साल। दूसरा काम हो सकता है, तुम घर छोड़ दो, चेंज को सेल कर दो। तुम्हें कौन सा इतना टाइम हुआ है, 2 महीने तो हुए हैं तुम्हें घर में, सेल कर दो। तो कहती कि है ना, घर तो नहीं मैं सेल कर सकती कि अपना बहुत पैसा लग गया ये वो, और ये गुड डील है ऐसे। कहते गुड डील के पीछे सोचा करो ना फिर लेने से पहले, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बता देती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद कहती कि अपने पेट्स को, डॉग को भी देखे और बर्ड्स भी छोड़ दे। कहती मैं नहीं छोड़ूंगी, पेट्स क्यों छोड़ने। कहती सोच, तुम इतने इफेक्टेड हो, वो कितना इफेक्टेड होंगे। सबसे पहले तो पेट्स पर ही की जान पर ही आती है ना बात। तो कहती वो तो बंधे हुए हैं, वो तो बहुत पेन में है। कहती मेरा हस्बैंड नहीं मानेगा इन चीज़ों को, वो नहीं सुनता ये वो, और मैं घर के लिए तो बोल ही नहीं सकती। तो फिर शी स्पेशली फ्लाइड ओवरसीज टू देयर प्लेस, और ये अपने साथ जो इनका दोस्त होता है जो क्लिनजिंग करता है ये वो, उनको लेकर गए। इन्होंने वापस जाके जो भी चीज़ें परफॉर्म करनी थी वो करी। फिर उनको बता कर आए कि तुमने हर मंथली ये चीज़ें करनी है, 6 मंथ्स बाद ये चीज़ें करनी है, अगर रहना ही है इस घर में, कोई है ही नहीं है तुम्हारे पास सेविंग्स ये वो चेंज करने को, तो फिर ये चीज़ें करो। और उनके बर्ड्स को जाकर उड़वाया फिर उन्होंने। वो कौन सा बर्ड होता है जो छोटू सा होता है, कैनरीज, पता नहीं, चलिए नाम का तो क्या करेंगे, तो वो थी। और वो तो मैं आपको फ़ोटो भी शायद भेजूँ। तो वो उन्होंने उड़वाई, उनका डॉग था, उनका डॉग उनको शेल्टर में देके आए। और फिर डॉग को भी प्रॉपर उन्होंने पहले क्लेंस किया कि ऐसे करके कि बाकी घर में जाके ऐसा ना हो कि यहाँ से कोई एनर्जी ये इसके साथ चली जाए, ये मर जाए, इसको कुछ हो जाए। ब्लैक मैजिक में यूजुअली यही है कि आपके अगर पास पेट्स है तो पेट्स आप पर कुछ चीज़ होने से पहले वो अपने पर ही ले लेते। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लैक मैजिक अगर आपके घर में हुआ हो तो सबसे पहले पेट की डेथ भी हो जाती है, क्योंकि जो ग्रह अगर आप पर लगने वाले हो तो जो हमारे पालतू है वो अपने आप पर ले लेते हैं। तो ये है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है अब इस पॉडकास्ट का एंड कर देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आप हमारी पॉडकास्ट में आए। और हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका चैनल का या इंस्टाग्राम का जो भी है वो लिंक रहेगा, और हमारी ऑडियंस भी वहाँ पे आ जाना, ठीक है, मिलना आ सकती है। और बाकी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अगर नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो नेक्स्ट पार्ट लिखकर कमेंट ज़रूर करें। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शोपीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नज़र, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नज़र सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइज अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहाँ पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ।